हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला बहुत ही मजेदार। तो आज से हमारी होम वर्कआउट सीरीज स्टार्ट है। तो आज हमारा डे वन। तो भाई के चेस्ट को पूरा ट्रेन कर देंगे, जैसे कि लोअर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, अपर चेस्ट, साइड चेस्ट को पूरा ट्रेन कर देंगे सिर्फ बॉडी वेट के साथ। तो जो भी आपके घर खांसी को मेंटेन, जैसे कि ईट वगैरह या फिर स्टूल वगैरह है, उसका आपको सहारा लेना। तो आपका पूरा चेस्ट ट्रेन करवा देंगे, भाई का चेस्ट ट्रेन करवा देंगे। भाई एक बार पोजिंग कर दो। तो भाई क्या देख रहे हो, वर्कआउट स्टार्ट करो। भाई स्टार्ट करते हैं भाई के पूरे चेस्ट को अच्छी तरीके से ट्रेन कर देंगे। तो हमें यहाँ पर किसी ऊंची जगह की जरूरत पड़ने वाली है, जो जो कि हमने यहाँ पर टायर ले रखा है। तो आप किसी भी ऊंची जगह का सहारा लेके इन पुशअप्स को लगा सकते हैं, स्टूल वगैरह का सहारा लेके। तो आपको इस कंडीशन में पुशअप्स लगानी है, ये अपने हाथ जो पीछे की तरफ रख रहे हैं और आगे सिलो जाना इस कंडीशन में, और पूरा ऊपर जाना लगाओ। पीछे की तरफ हाथ करने हैं इस कंडीशन में, वो पूरा नीचे जाना, पूरा नीचे सिलो अप डाउन एकदम बड़ी तरीके से, सिलो ऊपर सिलो नीचे। बॉडी को सीधा रखना, आपको बॉडी को सीधा इस कंडीशन में पूरा एकदम खींच के लेना। आपको जब ऊपर आप आते हो तो पूरा एकदम खींच के। तो एक्सरसाइज आपको इस कंडीशन में लगानी है, पूरा एकदम अप डाउन करना बढ़िया तरीके से, बस। और अब लगाएंगे अगली एक्सरसाइज, तो सेम कंडीशन में लगाएंगे, बस आप हमें ईंटों की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। तो फिर से हम टायर पे पैर रखेंगे और ईंटों को रखेंगे इस कंडीशन में, खड़ी रखनी है हमें और पैर पीछे की तरफ, वो बॉडी को रखना सीधा और सिलो नीचे और सिलो ऊपर, और पूरा खींच के आपको ऊपर आते हो आप, पूरा एकदम चेस्ट लोड डालना, जैसे कि भाई यहाँ पर कर रहे हैं। तो भाई अभी न्यू है, अभी धीरे धीरे सीख जाएंगे। सिलो जाना ऊपर, सिलो अप, हल्का रुकना है, फिर से सिलो ऊपर, वो पूरा एकदम खींच के लेना चेस्ट को जब आप ऊपर आते हो तो, पूरा खींच के बड़े तरीके से। तो ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज। और अब लगाएंगे अगली एक्सरसाइज, जो कि हमें लगानी है टायर पे, हमें अपनी कमर को टेकना है इस कंडीशन में। तो अपनी कमर को टायर पे टेकेंगे इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में लगाएंगे हम ईटों से एक्सरसाइज, पूरे एकदम। तो इस कंडीशन में थोड़ा आगे, तो एक्सरसाइज हमें इस कंडीशन में लगानी है, पूरा एकदम ऊपर की तरफ खींच के, पूरा एकदम चेस्ट पे लोड, पूरा अपर चेस्ट पे बड़ी तरीके से, स्लो मोशन में बड़ी तरीके से एकदम, पूरा ज़्यादा नीचे नहीं, पूरा एकदम खींच के। जब आप ऊपर लाते हो तो एकदम आपको खींच के लेना बड़े तरीके से, पूरा एकदम अपर चेस्ट को टारगेट करना आपको बढ़िया तरीके से एकदम, बढ़िया लगाओ। तो ये हमारी अगली एक्सरसाइज। और अब लगाएंगे ईंटों को रखना है इस कंडीशन में खड़ी, तो खड़ी ईंटों को रखेंगे। और अब लगाएंगे अगली एक्सरसाइज, तो बॉडी को रखना एकदम सीधा अच्छी तरीके से इस कंडीशन में, पूरा नीचे जाना है और सिलो आना ऊपर, पूरा खींच के चेस्ट को लगाओ। तो इसमें बैलेंस बना के रखना, क्योंकि ताकि ये ईंट गिन ना जाए अच्छी तरीके से, पूरा नीचे, पूरा चेस्ट पे लोड बढ़िया बड़ी तरीके से, पूरा नीचे एकदम पूरा खींचना चाहिए आपका चेस्ट जब आप नीचे जाते हो पूरी अच्छी तरीके से, बस बहुत अच्छे। यही लोंडे बस। तो इसमें आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि भाई ये ईंट गिर भी सकती हैं। और अब लगाएंगे अगली एक्सरसाइज, जो कि हमें लगानी है अपर चेस्ट के लिए। तो इस कंडीशन में खड़े रहना हमने इधर, इस कंडीशन में खड़े रहना और ईंटों को लाना नीचे की तरफ से, पूरा एकदम स्क्यूज करना ऊपर की तरफ, होल्ड करना, रोक के रखना थोड़ी देर, लगाओ पूरा नीचे से इस कंडीशन में, ईंट पकड़नी पूरा ऊपर की तरफ, अपर चेस्ट पे लोड, बहुत अच्छे। होल्ड करना ऊपर, रोक के रखना थोड़ी देर, बस बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हम पूरा अपर चेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लोड आ रहा है बड़ी तरीके से।
पूरा नीचे ले जाना है आपको, इनको नीचे नीचे की तरफ, यही बाजू एकदम सीधी रखनी है आपको। तो पूरा एकदम भाई के अपर चेस्ट पे पूरा लोड आ रहा अच्छी तरीके से खींच के लगानी एक्सरसाइज बड़ी तरीके से। और अब लगाएंगे हम अगली एक्सरसाइज जो कि हमें सिंगल नीट से लगानी है, और आप डबल से भी लगा सकते हैं। तो आपको थोड़ा वेट हल्का लगे तो आप डबल नीट से लगा सकते हैं, वरना आप सिंगल नीट से लगाएं तो आपको कोई भी स्टूल वगैरह पे बैठ जाना, और आपको इस कंडीशन में बॉडी की पोजीशन रखनी है और ऊपर की तरफ होल्ड खींच के होल्ड करना है, होल्ड करना है, रोक के रखना है, लगाओ। तो आप सिंगल नीट से लगा सकते हो। पूरा एकदम खींच के ऊपर की तरफ सामने, थोड़ा बॉडी को मोड़ना, बस ऊपर की तरफ पूरा खींच के होल्ड करना, एक्सक्यूज। तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं आपकी मसल पे लोड आना बहुत ही जरूरी है, आपको एक्सक्यूज करना है बढ़िया तरीके से। बहुत अच्छे, क्योंकि भाई आप वेट कितना लगा रहे हैं वो मायने नहीं रखता, आपकी एक्सरसाइज आप किस कंडीशन में कर रहे हैं वो मायने रखता, आपकी वर्कआउट बढ़िया होनी चाहिए। वेट आप कम भी लगा रहे हैं तो आपकी एक्सरसाइज बढ़िया होनी चाहिए। पूरा एकदम खींच के लेना ऊपर की तरफ, होल्ड करना है, बहुत अच्छे। तो ये था हमारा वर्कआउट, तो वर्कआउट फाइनल हो चुका है और भाई का चेस्ट जो अच्छी तरीके से ट्रेन हो चुका है। पोजिंग दिखा दो एक बार चेस्ट की, बहुत अच्छे, पूरा एकदम चेस्ट ट्रेन हो चुका है, शेप में आ चुका है। तो इसी तरह से आप भी वर्कआउट करोगे तो आपका भी चेस्ट एकदम अच्छी तरीके से शेप में आ जाएगा, सिर्फ बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज है। और जो भी आपके घर इक्विपमेंट है, जो खास इक्विपमेंट नहीं है, ईंट की जरूरत पड़ी है हमें यहाँ पर, और यहाँ पर एक टायर की जरूरत पड़ी है, और टायर की जगह आप स्टूल वगैरह ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, अगली वीडियो किस टॉपिक लानी है कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद और वंदे मातरम। बोलिए तो भाई अभी सर मारे न्यू है।